बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको घर में इजी तरीके से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको सिर्फ डेटॉल चाहिए, क्योंकि इस डिफ़िकल्ट टाइम पे ना हमें डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मिल रहा है, ना डिसइंफेक्टेंट वाइप्स मिल रही हैं, और ना ही हमें हैंड सैनिटाइज़र मिल रहा है। और तो और हमें यहाँ USA में एलोवेरा जेल भी नहीं मिल रही। मार्केट में तो ऐसी चीज़ें हैंड सैनिटाइज़र, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, वाइप्स और मास्क वगैरह सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, नहीं मिल रहा। और अगर कहीं से मिल रहा है तो वो बहुत ही कॉस्टली है और उसकी शिपमेंट में काफ़ी टाइम है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पर। तो मेरे पास डेटॉल की बॉटल अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसे घर में ही स्प्रे बना लूँ, ताकि हम जो रोज़मर्रा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे डोर हैंडल्स हैं, उनको हम डेली बेसिस पे क्लीन कर सकें। तो चले हम डेटॉल से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बना लेते हैं। ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हमें इसके लिए एंटीसेप्टिक डेटॉल का लिक्विड चाहिए, 1 कप वाटर चाहिए और कोई भी स्प्रे बॉटल चाहिए। मैंने ये स्प्रे बॉटल ली है। स्प्रे की बॉटल में मैं डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड 4 ounces डालूंगी। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये एग्जैक्टली हो गए हैं 4 ounces डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड के। 4 ounces बराबर होते हैं 1/2 cup के, तो आप इसीलिए कह सकते हैं कि मैंने 1/2 cup डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड डाला है और 1 cup मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे तैयार हो गया। अब मैं पेपर टॉवल लूँगी और पेपर टॉवल से आप इजीली जो आपने क्लीन करनी है सरफेस, वो आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। और जो हमारा मेन डोर है उसका भी लॉक आप इसे साफ कर सकते हैं, डोर हैंडल को। वॉशरूम की टैप्स को अच्छी तरह से साफ कर लें। जो चीज़ें आप डेली बेसिस पे ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको आप डेली बेसिस पे क्लीन करें, बल्कि दिन में आजकल तो काफ़ी दफ़ा क्लीन करें। वॉशरूम के डोर के हैंडल्स, वॉशरूम की टैप, जो चीज़ें आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ करें, ताकि आप जर्म से बचा जा सके। जर्म्स को किल करने के लिए आप ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप डोर के हैंडल साफ़ करने के लिए, वॉशरूम की टैप साफ़ करने के लिए और कोई भी सरफेस को क्लीन करने के लिए, जर्म से पाक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने मोबाइल को, उसकी स्क्रीन को अच्छी तरह साफ़ करें। जब तक ये तमाम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब तक घर में रहें, सेफ रहें और इस तरीके से स्प्रे बनाकर जरासीम को किल करें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।